बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। लीला श्री परम धाम की, आनंद खंड अपार है। लीला श्री परम धाम की, आनंद खंड अपार है। लीला वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की, आनंद खंड अपार है। ताल पाल जमुना जी, बाग बगीचे क्या बने। ताल पाल जमुना जी, बाग बगीचे क्या बने। देखो ये फूलों की कलियां, रहती सदा बहार है। खुशबू वहाँ की क्या कहूँ, खुशबू का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की, आनंद खंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। रंग महल को देखना, सौ बनी है सीढ़ियाँ। रंग महल को देखना, सौ माणिक जड़ा हुआ। रंग रंगीला किवाड़ है, नूर वहाँ की क्या कहूँ, नूर का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की, आनंद खंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। पशु पंखी और जानवर नमन करें श्री राज को। पशु पंखी और जानवर नमन करें श्री राज को। चेतन है परम धाम सब, सच्चे दिलों में प्यार है। इश्क वहाँ का क्या कहूँ, इश्क का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की, आनंद खंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। सच्ची वस्तु को सदा सच्ची ही दृष्टि
सच्ची वस्तु को सदा सच्ची ही दृष्टि देखती, हृदय में दीन प्रेम हो प्रेमी का बेड़ा पार है। प्रेम वहाँ का क्या कहूँ, प्रेम का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की आनंद खंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। नूर वहाँ का क्या कहूँ, नूर का जो भंडार है। इश्क वहाँ का क्या कहूँ, इश्क का जो भंडार है। प्रेम वहाँ का क्या कहूँ, प्रेम का जो भंडार है। शोभा का जो भंडार है, नूर का जो भंडार है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी प्राणाधार सदधर्म निष्ठ सुंदर साजी को हृदय से रचिता सखी का कोटि कोटि बेर प्रेम प्रणाम। सुंदर साजी, श्री परम धाम और श्री परम धाम के अंदर की जो शोभा का वर्णन अभी अभी अल्प शब्दों के माध्यम से जो हमने श्रवण किया, जिसके द्वारा हमारी चित्त वृत्ति श्री परम धाम के सच्चिदानंद में सुख के अंदर में केंद्रित हो जाती है, लक्षित हो जाती है। क्योंकि जहां तक हम इस संसार की बुद्धि से परमधाम का विचार करते रहेंगे, तो जितनी सीमित संसार की बुद्धि है उसी प्रमाण हम परमधाम को भी सीमित गुणों से ही समझने लगेंगे। इसी वजह से यहाँ पर समझाया गया कि हे सखियों, हे सुंदर साजी, अवेकन टू योर ट्रूथ, नो योर रियल आइडेंटिटी। अपने वास्तविकता की पहचान करते हुए जो सत का भंडार है, जो चित का भंडार है, जो आनंद का भंडार है, जहां ईशक प्रेम नूर शोभा इसके पूर के पूर चलते हैं, ऐसे असीम अखंड अनादि परम धाम के वासिंदा, हे मेरे धाम की सखियों, इस संसार के बीच में आकर के अपनी बुद्धि को इस प्रकार से सीमित न रखें। इलम के माध्यम से श्री परम धाम के यावत पदार्थों को जाने, 25 पक्षों को जाने, जिन 25 पक्षों के अंदर हम नित्य प्रतिविहार करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? जब हमारा हृदय उन सुख के अंदर में लगा रहेगा, तब तो उन सुख के प्रति हम केंद्रित भी रहेंगे, और जब तक इस दुखदायी भूमि के अंदर में हैं, तो यहाँ के सीमित समय तक आने वाले सुख दुखों का सामना भी कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य परमधाम के अखंड आनंद के ऊपर है, तो यहाँ पर जो अल्प समय अल्प काल के लिए जिस आनंद को हम प्राप्त करते हैं, इसकी बात को हम समझ जाएंगे, इसके मिथ्यापन को हम समझ जाएंगे, और मिथ्या जानने के बाद हम इसे एक खेल की भांति देख सकेंगे, और धाम को धाम की भांति अखंड की भांति देख सकेंगे। इसीलिए हे धाम की सखियों, हमें ये चाहिए
कि अखंड परम धाम के भंडार सुख में, शोभा में, नूर में, इश्क में, प्रेम में हमारा मन सदैव लगा रहे, ताकि इस दुनिया संसार की आधी व्याधि उपाधि इन सब को देखते हुए अनुभव करते हुए भी मन हमारा विचलित न हो और धाम धनी के श्री चरणों में केंद्रित रहे। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए खिलवत वाणी चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां श्री इंद्रावती सखी, जिन्होंने बेशक इलम के द्वारा बहुत सारी बातों को समझा तो दिया है, अब परम धाम की ओर ले चलती है। तो इन्हीं बातों को समझने के लिए हे मेरे धाम धनी, आपके श्री चरणों में हम अर्जी करते हैं कि धनी नजर खोलो बातुन, धाम की दृष्टि धाम की मैं हमें प्रदान करें, ताकि धाम की लीला को शोभा को हम समझ सकें। तो आइए युगल चरणों में प्रार्थना करते हैं और आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागो दो चरण को धनी न छुड़ायो क्षिणा, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन, न पाऊ तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो बातू न, पलना वालू निरखू नेत्र मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम वंदनीय परमादरणीय गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री दीन दयाल जी गुरु जी के पावन चरणारविंद में कोटान कोटि प्रेम प्रणाम के साथ सभी सुंदर साह जी को प्रेम भरा भाव भरा प्रणाम। आइए सुंदर साह जी आज की मजल का शुभारंभ करते हैं। छिपी बातें बीच अरस के कोई रही न माहे सका, पाई ऐसी बेसकी जो लई दिल की बातें हक, जो लई दिल की बातें हक। आहू बेशक बड़े अरस के नूर रोशन जोए किनार, दोनों तरफो जरी जोए के नूर रोशन अति जलकार। हे धाम के सुंदर साजी, हे धाम के सखियों, श्री इंद्रावती आत्मा अब तक हमारे आगे जो बयां कर चुकी हैं वो क्या था? श्री राजी महाराज के दिल की बातों को इस इलम लुदन्नी ने जाहिर करके प्रकट करके यहाँ सखियों को बताया, ताकि इन बातों को श्रवण करके आत्मसात करते हुए जो धाम की सखियां हैं वो इस प्रकार से सुदृढ़ बन जाएं, इस प्रकार से उनका ईमान धनी के प्रति कायम हो जाए कि अब जो कोटि छल करे जो माया तो है न मुकिए एह चरण जी। अब इसके उपरांत अगर माया करोड़ों प्रकार के छल ही क्यों न हमसे खेल ले,
करोड़ों प्रकार के दाव पेच ही क्यों ना हमसे कर ले, मगर ऐसा ईमान इस इलम ने दिला दिया कि जिस ईमान के आगे उसको हिलाने के वास्ते करोड़ों करोड़ों उपाय भी ये माया कर लेगी, फिर भी सखियों के अंदर का दृढ़ निश्चय और ईमान कभी भी डोलेगा नहीं। The faith in the Brahma Atmas will never waver. इस प्रकार का सुदृढ़ ईमान इलम ने दिलाया, सखियों ने पहचान कर ली कि धनी ने इलम से हमको श्री परमधाम की तो क्या, अपने हृदय के अंतर की बातों को तक समझा दिया। हृदय के अंदर की बात को कौन जान सकते हैं, कौन बताते हैं? लौकिक व्यवहार में भी देखिए तो जिनके साथ हमारी इतनी इंटिमेसी होती है, इतनी क्लोजनेस बढ़ जाती है कि एक दूसरे के दिल की बात को जब समझने लगते हैं, वो समझदार को ही दिल की बातें दी जाती हैं, अन्य को नहीं। वैसे ही यहाँ पर माशुक हैं प्रियतम धनी श्रीराज जी महाराज, और उन्होंने अपने हृदय के अंदर की बातों को आशिक आत्माओं के आगे, सखियों के आगे बताया, क्योंकि वे हक जात हैं, श्रीराज जी महाराज के अंग हैं, वे ही इन बातों को समझेंगे, वे ही इन बातों से दृढ़ ईमान लेकर आएंगे। इसीलिए इलम ने मोमिनों के लिए ये धाम की बातें और यहाँ तक के धनी के दिल की बातों को तक खुलस्त कर दिया। हे सखियों, धनी के हृदय की बात को जानने वाली सखियों, आगे श्री इंद्रावती सखी अब इस मजल के अंदर में श्री परमधाम की जो अलग अलग प्रकार की शोभाएं हैं इनको प्रकाशित कर रही हैं, इनको समझा रही हैं, ताकि सखियां उन्हीं अलग अलग ठौर अलग अलग स्थानों के अंदर अपने मन को फिराती रहें, अपने चित्त को वहां की लीला के अंदर हमेशा केंद्रित रख सकें। क्योंकि संसार के अंदर भले ही स्वप्नों के तन उन्होंने धारण किए हुए हैं, मगर मूल तन असल तन परात्म जिस धाम के अंदर लीला विहार करता है, उसी धाम का परिचय इन सखियों को कराने के लिए इंद्रावती सखी इलम के द्वारा यहाँ पर हम आपको समझा रही हैं। आगु बेसक बड़े अरस के, सखियों अब इस विषय में भी बेशक हो जाओ, निसंदेह बन जाओ। हमारा अर्श, हमारा घर रंग महल अत्यंत बड़ा है, और इस बड़े इस विशाल अर्श के सामने नूर रोशन जोए किनार आती है। पूर्व दिशा में देखें तो श्री जमुना जी यहाँ पर बह रही है, और ये जो जमुना जी हैं इनके दोनों बाजू पर उनके जो सुंदराती सुंदर नजर आने वाले तट शोभा ले रहे हैं। जिस प्रकार संसार में भी हमने देखा है कि कोई नदी होती है तो उसका तट बनता है, इसी प्रकार से जैसे यहाँ गंगा जी का तट होता है, जमुना जी का तट होता है, अलग अलग नदियों का अपना अपना तट होता है, These are called the banks of the rivers. इसी प्रकार श्री परमधाम के श्री जमुना जी नदी के दोनों ओर में अत्यंत सुंदर जरी जड़ित किनार नजर आ रही है। जमुना जी के दोनों ओर में जो तट बना हुआ है उसके किनार में सुंदराति सुंदर कठड़ों की शोभा भी नजर आ रही है। हे साथ जी, इन सारी परमधाम की दिव्य शोभाओं में जब हम मन लगाते हैं, 25 पक्ष के अंतर्गत की बात के ऊपर जब चित्तन मनन करते हैं, तो खुद ब खुद ये मन यहाँ के झूठे दुख सुख से ऊपर उठता हुआ परमधाम की लीला में जा केंद्रित होता है। जब इस मन को
धाम लीला का और धाम के 25 पक्ष का चस्का लग जाता है, स्वाद आने लग जाता है, लज्जत आने लग जाती है, तब इस मन को दोबारा से संसार में लाने का प्रयास करते हैं तो बड़ा ही बुरा लगता है, मन नहीं करता है। श्री इंद्रावती सखी कहती है कि हे साथ जी, अपने इस मन को वहां पर हमको केंद्रित करना है। अवश्य यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब संसारी कार्य करते हैं तो तभी भी मन की आवश्यकता होती है, जब संसारी कार्य करने होंगे तो बिना मन के हाथ भी नहीं चलेंगे, पैर भी नहीं चलेंगे, बुद्धि भी साथ नहीं देगी, क्योंकि हमारे सारे उपकरण मन के आधारभूत चलते हैं। माइंड इज द फोकस, ये मन सभी का केंद्र रूप है। हाथ चलाना चाहो तो मन उसके साथ होना चाहिए, कान से सुनना चाहो तो मन उसके साथ होना चाहिए, चलकर कहीं जाना चाहो तो मन लगा होना चाहिए। ऐसे में अगर हम मन को परमधाम में लगा देंगे तो संसार के कार्य कैसे कर पाएंगे। हे साथ जी, इसीलिए कहा गया शुद्ध अशुद्ध दोयो मन। हर किसी के अंदर दो प्रकार के मन का वर्णन किया है, शुद्ध अशुद्ध। जिस मन को हमने 25 पक्ष के वर्णन के द्वारा, श्री राजी के चरण कमल के स्मरण के द्वारा शुद्ध बनाया है, ये मन तो सदैव 25 पक्ष की लीला में ही लगना है। संसार के अंदर जो कार्य करने वाला मन है, ये मन अशुद्ध मन कहा जाता है, कि जिसके द्वारा हम अपने दैनिक कार्य व्यवहार को चलाते हैं। इस प्रकार से द माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड, मन वो है जो संसार के कार्यों में लगना है, और जो अंतर मन है, जो शुद्ध मन है, द सबकॉन्शियस माइंड, ये तो तब भी जागता है जब हम सो जाते हैं। तन सोवे रूह निस दिन जागे, तन सो जाता है रूह नहीं सोती, द सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज अवेक, और उस मन के द्वारा हर पल हर क्षण धाम धनी के श्री चरणों के ऊपर, 25 पक्ष के लीला विहार के ऊपर हमें केंद्रित रहना है। और इसी वास्ते श्री इंद्रावती सखी महामती श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर सखियों को निसंदेह बना रहे हैं कि हे धामस्थ सखियों, श्री निज धाम की इन लीलाओं का स्मरण कीजिए, बेशक हो जाइए कि हम ऐसे श्री परम धाम के वासिंदा हैं, और यहाँ हम कौन से कार्य में लगे हुए हैं, हमारे मन को हमने भला कौन कौन से कार्य के अंदर बाधित करके रखा हुआ है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि मन का वेग अपरंपार है, इस मन को कोई रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको कहा चाक चक्रड़ा। कुम्हार के पास जो चक्र होता है, जिसके ऊपर वह घड़े को तैयार करता है, समारता है, आकार देता है, जिस तरह से उसका चक्र हमेशा घूमता रहता है, इसी प्रकार इस मन को शांति कहाँ है एक पल मात्र के लिए, ये भी घूमता ही रहता है। परंतु इस मन के मूल स्वभाव को जानने के बाद, बेशक इलम के द्वारा जागृत होने के बाद, हे धाम की सखियों, इस मन को कहाँ लगाएं, यही तो श्री प्राणनाथ जी हमें दिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। दो तरफो जरी जोए के, जोए अर्थात श्री जमुना जी हैं, और साथ जी इस बात को हम न भूलें, अरस हौज जोए रूहे पहचान या सो होए, अर्श श्री परम धाम रंग महल, हौज कौसर तलाव, जोए यानी श्री जमुना जी,
ये तीनों ऐसे पक्ष हैं, 25 पक्ष मध्य भी ये तीनों पक्ष के विषय में सखियां भली भांति जानती हैं। इनके अंदर माहे बाहेर, ऊपर तले हर दिशा की बातों को सखियां भली भांति जानती हैं, क्योंकि उनके रमण विहार करने के मुख्य स्थान यही तो है। इसीलिए श्री इंद्रावती सखी इस चौपाई के अंदर में जोए का वर्णन, श्री जमुना जी का वर्णन करते हुए कहती है, इस जमुना जी के जरी जड़ित दोनों किनारों के ऊपर नूर रोशन अति जलकार। यहाँ पर जलकार क्या कर रहा है? यहाँ के जो रेत कण हैं, ये हीरे की भांति हैं, अत्यंत सुरम्य रेती कण है, मानो हीरे के कण बिछे हो या फिर मोती के कण बिछे हो। इस प्रकार से अत्यंत सुंदराति सुंदर, न चुभने वाले और नूरमय, प्रकाश से भरपूर, चेतनता से भरपूर, जलकार ही जलकार करने वाले ये सारे रेत कण यहाँ जमुना जी के तट के ऊपर में बिछे हुए हैं। हे सखियों, प्रातः समय यहाँ जैसे मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, श्री निज धाम के अंदर भी हम जाते हैं अपने धनी जी के साथ में, और उस समय पाट घाट की झीलना के पश्चात इसी जमुना तट के ऊपर में होते हुए कुंज निकुंज वन के अंदर में निकल जाते हैं। उस समय यहाँ की सुरम्य रेती के ऊपर में दौड़ते भागते चलते हुए कैसे यहाँ से पसार होते हैं, इस तट की लीला को, शोभा को इस प्रकार से आप याद कीजिए। सक नाही जल उजले, अब जमुना जी की बात करते हैं कि श्री जमुना जी का जो जल है वो इतना उज्जवल है, इतना स्फटिक है, इस प्रकार से प्रकाश उसमें से निकल रहा है, क्योंकि ये जल कैसा है, अनपल्यूटेड, अनएडल्ट्रेटेड, जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, मीठा जो मिश्री। अगर इस जल का हम स्वाद लेते हैं तो इतना मिठास से भरा हुआ है कि जैसे मिश्री को चख लिया हो, उसके बूंद बूंद के अंदर में ऐसी मिठास भरी हुई है। मगर साथ जी, अगर हम ये सोच लें कि यहाँ की मिश्री की भांति है, तो यहाँ की मिश्री में भी अब कुछ एडल्ट्रेशन हो जाती है, कुछ मिलावटें जरूर हो जाती है। असली मिश्री को अगर चखा हो हमने तो स्वादिष्ट में स्वादिष्ट होती है। इसी प्रकार यहाँ के नहीं, परम धाम के मिश्री के अनुसार मिठास से भरा हुआ ये जल है। अब अगर हमें ये प्रश्न आ जाए कि इस मिठास को हम कैसे अनुभव करें, तो हे साथ जी, इसका वर्णन तो कदापि हो ही नहीं सकता, ना तो इसका कोई नमूना या उदाहरण देकर के इसको समझा सकते हैं, इसे तो अनुभव करना पड़ेगा। कि श्री निज धाम में जब हम विहार करते हैं, चित्त जब वहां लगा हुआ है, धनी चरणों में जब ये अरसी करते हैं कि मुझे धाम की उस जमुना जी की मिठास का अनुभव करना है, उस लगे हुए चित्त में धनी हमको अनुभव कराएंगे, महज बोलने से नहीं होगा, क्योंकि बोलने भर से कभी अनुभव नहीं होता। मैंने खाना खा लिया कहने से तृप्ति नहीं होती। जब वर्णन के माध्यम से चित्त को लगा करके उस अनुभव को यहाँ महसूस करना चाहते हैं, तब ही ये अनुभव की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। सांत जी, क्या इसका कोई जीवंत उदाहरण है? Do we have a glaring example for this? जी हाँ, श्री पांच नौतनपुरी धाम के बीच में गौरव श्री जमुना जी को कहियो करी के आप विवेक, श्री सतगुरु स्वरूप चित्र लिखे
मंदिर विषय जमुना धाम बनाई। उस समय में एक चित्र को दीवार के ऊपर चित्रित करके सुंदर सात को समझा रहे हैं कि कैसे स्त्री निज धाम के रंग महल के आगे सात घाट, फिर श्री जमुना जी की दूसरी ओर अक्षरधाम और सात घाट की शोभा बनी हुई है। जमुना जी नदी के गौरव का जब बयान सतगुरु करने लगे तो सभी सुंदर साथ आकुल व्याकुल हो उठे कि अरे ऐसे जमुना जी को छोड़ करके, वहां के पाट घाट को छोड़ करके क्यों हम इस दुखदायी संसार के बीच में आए हैं। तब हताश हुए निराश हुए ब्रह्मात्माओं को सांत्वना देते हुए दिलासा देते हुए श्री सतगुरु स्वरूप ने उनसे कहा, निराश न होइए, ये जमुना जी दूर से दूर है उनके लिए जो चितवन नहीं करते, मगर जो चितवन करते हैं उनके लिए ये जमुना जी समीप से भी समीप है। इसलिए दूर दराज समझने की आवश्यकता नहीं है, आप एक दिली जमात हो, एक दिल रख करके धनी से अर्ज करें और उस जमुना जी को यहीं पर प्रकट पाएंगे। और जैसा सतगुरु स्वरूप ने बताया, साथ के हृदय एकाग्र हुए उनके वचनों पर, सभी के चित्त लग जाते इन वचनों के ऊपर और जिस जगह जमुना जी का चित्र तैयार किया था वहीं से श्री जमुना जी का प्राकट्य हो जाता है और उसी में सभी सखियां अत्यंत सुखानंद के साथ में झीलना करती हैं। इस प्रकार हे सुंदर साथ जी, ये अनुभवात्मक बातें हैं, इसे महज बोल करके हम पूरा नहीं कर पाते। जब तक चित्त वहां के सुखानंद में नहीं लग जाता वहां तक वह प्रेम हृदय में आएगा ही नहीं, प्रकट होगा ही नहीं। तो श्री इंद्रावती सखी उस जल का वर्णन करती हुई ये कहती हैं, मीठा ज्यो मिश्री, इस जल का स्वाद लीजिए हे साथ जी, अपने चित्त को लगा करके। सकना गिरद्वाए बाग की, और फिर उसके बाद श्री रंग महल को घेर करके जो अलग अलग प्रकार के बाग बगीचे आए हुए हैं, चारों दिशाओं में देखिए अत्यंत सुंदराति सुंदर रंग बिरंगे तरह तरह के बाग बगीचे यहाँ पर आए हैं, जैसे पूर्व में सात घाट है, दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी बनी हुई है 75 वृक्षों को लेकर के। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में जाइए तो नूरबाग और फुलबाग की सुंदराति सुंदर शोभा, उनके साथ में सुंदर में सुंदर चेहबचों की शोभा आई हुई है, नूर के खंभों की शोभा आई हुई है। उत्तर दिशा में आइए, लाल चबूतरा के सामने 41 के 41 हार बड़े वन के वृक्षों की 40 के 40 हार चौकों के साथ विद्यमान है। और थोड़ा सा हम जब ईशान कोण की ओर आगे बढ़ते हैं तो ताड़ वन, खड़ोकली, इन सब की शोभा अत्यंत भारी नजर आती है। हे धाम की सखियों, इसे देखते देखते अब पूर्व दिशा में पुनः लौट आइए और यहाँ पर जो हमारे निज धाम के आगे यूं तो सात घाट हैं, परंतु रंग महल के आगे तीन घाट की शोभा दिखाई दे रही है। ये सभी शोभाओं का जब हम अवलोकन करते हैं एक परिक्रमा करते हुए, तो प्यारी सुंदर साथ जी, इस रूह के अंदर धाम की वह चेतना शक्ति व्यापक हो जाती है, संचारित हो जाती है और यही तो करना है। इसीलिए इंद्रावती सखी ने कहा कि बेशक हो जाइए इस विषय में, कैसे धाम के वासिंदा हो आप, किसका ध्यान करने के लिए धनी ने इलम दिया है और हम यहाँ कौन कौन सी चीजों के ऊपर हमारा मन चित्त ये सब कायम किए हुए बैठे हैं। कई
मोहल जवेर जरी। अरे यहाँ पर जो घाट आए हुए हैं, मध्य मध्य में कई मोहल, ये भी जवेरों से जड़ित आए हुए हैं और अत्यंत सुंदर शोभा ले रहे हैं। जब कभी सखियों को कुछ क्षणों के लिए विश्राम करना हो, या तो फिर कहें ऐसे जो महल और चबूतरा एक मलिक चबूतरा के रूप में जमुना जी के तट के ऊपर में लगे हुए हैं, पाल के ऊपर आए हुए हैं, इन सब की शोभाओं को जब हम निहारते हैं तो ये शोभा से हम अपने मन को वापस खींची नहीं पाएंगे। इसीलिए जरूरी ये है कि इन सब शोभाओं का अवलोकन करते हुए इस लज्जत को हम प्राप्त करें। तो इंद्रावती सखी, हम आपसे कहती हैं, खुशबोए जिमियती उज्ज्वल, ज्यो सोने जवेर दरखत। हे साथ जी, क्या आपने इस बात के ऊपर में विचार किया है कि किस प्रकार के वन, किस प्रकार के बाग बगीचे स्त्री निजधाम में बने हुए हैं? सर्वप्रथम तो ये श्री राजी महाराज के सतंश का ही विस्तार है। इसीलिए हर एक रेत कण, हर एक घास की पात, हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी वस्तु चेतनमय है। जहाज भी चेतनमय है, तरणियां बनी हुई है वो भी चेतनमय है, हर एक पदार्थ चेतनमय है। इस बात को समझने के पश्चात अब यहाँ आए, इस चौपाई को समझें। खुशबोए जिमी अति उज्ज्वल, इस जिमी जो कि उज्ज्वल है, इस उज्ज्वल जिमी में से अत्यंत खुशबू महक रही है। संसार में हम कभी अनुभव करते हैं, जब पृथ्वी इतनी तप्त हो जाती है और जब उसके बाद में पहले पहली वर्षा होती है, उस वर्षा के बाद में वो जो मिट्टी है जमीन के ऊपर, उससे इतनी निराली, इतनी सुंदर और ठंडक से भरी हुई खुशबू आती है कि उस खुशबू का अनुभव करते ही हम तो खो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ श्री निजधाम के अंदर तो यहाँ की जिमी सदा सदा खुशबू से भरी है, उसे वर्षा होने की आवश्यकता नहीं, किसी संजोग की आवश्यकता नहीं है। उज्ज्वल में उज्ज्वल है, प्रकाश से भरी हुई है, पवित्राति पवित्र होने के साथ खुशबू से भरी हुई है। जहां जाए तो ये खुशबू ही खुशबू से महक रही है धरती। ज्यो सोने जवेर दरखत, और यदि इस जिमी के ऊपर में देखते हैं तो जितने दरखत आए हुए हैं, वृक्ष लताएं इत्यादि आई हुई हैं, वो कैसी प्रतीत होती है? सोने जवेर, मानो कि इन वृक्षों के ऊपर जो लताएं लगी हुई है ना, ये सोने से मढ़ी हुई है, इतने इस प्रकार की शोभा और सुंदरता से वे परिपूर्ण है। इतने सुघड़ प्रकार से इनको रचा गया है श्री राज जी के द्वारा, और उनके ऊपर लगे हुए जो फल हैं, फूल आदि हैं, ये सब कुछ देखने से प्रतीत होता है कि मानो यहाँ पर जवेर ही टिमटिमा रहे हों, तो सोने की उन बेलियों के ऊपर जवेरों से बने हुए ये फूल, ये फल आदि, ये सब कुछ लगे हुए नजर आते हैं और हृदय को ऐसे आकर्षित करते हैं कि यहाँ शब्दों के द्वारा अगर हम इसका वर्णन करने जाएं तो ये हो ही नहीं सकता। श्री इंद्रावती सखी ने महज सोने जवेर दरखत कह करके छोड़ दिया हमारे लिए। क्यों? तुम लीजियो कर चितवन। सखियों, अब ये चितवनी का विषय है। वहां के किसी भी पक्ष, किसी एक चीज का वर्णन करना ही असंभव है, मगर जहां सोने जवेर और दरखत आदि की शोभाओं को बता दिया, अब हमें उसकी संख्या के अंदर मात्र सीमित नहीं रहना है। परमधाम 25 पक्ष का ज्ञान,
या फिर वहां की जो इन डिटेल वर्णन डिस्क्रिप्शन की हुई है, कई बार हम ये हार मान जाते हैं कि मुझे संख्या याद नहीं रहती। संख्या याद ना रहे ना सही, अनुभव तो याद रह सकता है, वर्णन तो याद रह सकता है। वहां के किसी भी एक ठोर का वर्णन अगर दिल के अंदर बैठ जाए, ऐसे ही दूसरे तीसरे ठोर का वर्णन याद करना है, वहां हो रही लीला उसके आनंद को याद रखना है, इसमें तो हमारी बुद्धि के ऊपर कोई जोर नहीं पड़ेगा, कोई बल नहीं लगेगा। जैसे वर्षों पूर्व किया हुआ कोई आनंद का क्षण हमें अभी भी याद होता है, और यहाँ तक याद होता है कि अगर उसकी मेमोरीज निकल आती हैं तो बकायदा हम उसे अपने सामने होता देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। तो धाम के अंदर के सुखानंद को क्या इस प्रकार से याद नहीं कर सकते? तो हे मेरे धाम की सखियो, इंद्रावती सखी कहती हैं, संख्या तो केवल बेशुमार को शुमार में लाने का काम है, मन को आलंबन देने के लिए किया जाता है, मगर संख्या से ऊपर उठ करके लीला में प्रवेश होना है, लीला से और अंदर जाकर के आनंद में प्रवेश होना है और उसी आनंद के अंदर रहना है। तो इसीलिए बेशक जंगल जवेर ज्यों, निसंक हो जाइए। धाम के अंदर जो वन जंगल का विभाग आया हुआ है वो ऐसे ही खाली नहीं है, वहां का एक वृक्ष ऐसा नहीं कि जहां पर पशु पक्षी इत्यादि का निवास स्थान न बना हो, खूब खुशहालियों का निवास स्थान न बना हो, कोई स्थान न्यून या रिक्त नहीं है। इस प्रकार के जो जंगल वन विभाग आए हुए हैं वे भी अपने आप में इतने शोभा से परिपूर्ण है, पूर्णात पूर्ण वन इत्यादि आए हुए हैं। और हे सात जी, अगर इसके विषय हम बेशक नहीं होते, दिल में इनको ग्रहण नहीं करते, तो हमने क्या इलम सीखा, क्या इलम से जाना। रोशन नूर जलकत, जो रोशनाई से परिपूर्ण जलकार कर रहे हैं, नूर से परिपूर्ण है, अस्तित्व से भरे हुए यहाँ के प्रत्येक वन वेली पौधे वृक्ष लताएं ये सब कुछ लहरा रही है। हर एक रेत कण में ये शक्ति है, हर एक वृक्ष के पत्ते में ये शक्ति है कि वह अपने नूर को ऐसे झलकार करती है कि वह नूर आसमान तक जाता है, उसे कोई बीच में रोक नहीं सकता। और यदि आमने सामने दो चीजों का नूर जब लड़ता है तो ये दृश्य तो देखते ही बनता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दो पहलवान एक दूसरे की शक्ति को यहाँ पर दिखा रहे हैं और मल्ल युद्ध सा हो रहा है उनकी शक्तियों के बीच में। परंतु हे सुंदर साजी, ये सब चितवनी के आधार पर दिल में धारण करने की बातें हैं, परम धाम की बातें हैं, रूहें ही जानेंगी, रूहें ही जनाएंगी, उनके घर की बातें हैं। बेशक इंद्रावती सखी हमें कर रही है, क्योंकि बेशकी आने तक सुंदर साजी आगे के प्रकरण में जाया नहीं जाएगा। संक्षिप्त एक कड़ी में कहें तो आगे के प्रकरण के अंदर में महामती श्री प्राणना जी जो साकी पिलावे शराब, वो प्रेम रूपी मदिरा का वर्णन करते हैं जिसका नशा रूहों के ऊपर चढ़ाना है, जिस मस्ती में रूहों को ले जाना है। तो जब तक रूहें इस विषय में बेशक नहीं बन जाती, निसंकर नहीं बन जाती हैं, तब तक ये शराब सुख लज्जत को कैसे लेंगी। तो इंद्रावती सखी का यही प्रयास, यही प्रयत्न कि सखियों को ऐसे निशंक बनाया जाए कि धाम के इश्क की लहरें इन सखियों के दिल में उठा करें। तो हे साथ जी, इसी चितवन, इसी मनन और इसी निधिध्यासन के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। और इसी के साथ
आज की वाणी चर्चा मजल को यहीं पर हम विराम देते हैं। खुशबुए जिमियति उज्ज्वल, ज्यों सोने जवेर दरखत, बेसक जंगल जवेर ज्यों रोशन नूर जलकत, रोशन नूर जलकत। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।